बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति था जो भगवान को बहुत मानता था और दिन रात भक्ति में डूबा रहता था। एक दिन वह भगवान के दर्शन करने के लिए एक बड़े पहाड़ पर चढ़ा। बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर उसने पूजा करनी शुरू कर दी और बोला, भगवान मैं जानता हूं कि आप यही निवास करते हैं, कृपया मुझे अपने दर्शन दें। उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान ने उसे दर्शन दिए। वो भक्त भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हो गया। भगवान को देख उस भक्त ने एक सवाल पूछा कि ईश्वर आपके लिए दिन महीनों और सालों की वैल्यू क्या है? तो भगवान बोले, बस एक मिनट। फिर उस भक्त ने पूछा कि भगवान आपके लिए हजारों लाखों करोड़ों रुपए की वैल्यू क्या है? तो भगवान बोले, बस एक रुपए। फिर वो भक्त बोला, भगवान मैं यहाँ तक आया हूँ, आप मुझे बस एक रुपए दे दो। तो भगवान बोले, ठीक है, बस एक मिनट रुको। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह बात सीखना चाहिए कि मांगा हुआ हमें कब मिलेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन मेहनत करके कमाया हुआ हमें इसी लाइफ में मिल जाएगा। इसलिए मांगना छोड़ो और मेहनत करो, वरना आप उस मांगे हुए एक रुपए के चक्कर में अपनी लाइफ का वो कीमती एक मिनट भी बर्बाद कर दोगे जो आपको इस संसार में बिताना है। हमेशा याद रखें कि हमारी मेहनत ही हमारी असली कमाई है। समय से पहले और नसीब से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। जब तक कुछ करोगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा भी नहीं। भगवान भी उसी को देता है जो खुद के लिए कुछ करता है, क्योंकि इस दुनिया में मांगने वालों की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ करने वालों की। अपनी मेहनत को अपना भगवान बनाओ और उसका रिवॉर्ड एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।